गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हार्ट्रॉन स्किल सेंटर नियर फाउंटेन चौक यमुना नगर। आवर सेंटर कोड इज 034। आई एम अंकित शर्मा। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन विच वी हैड कम्प्लीटेड आवर होम टैब। ओके, सो आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट द डिफरेंसेज बिटवीन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड वट वॉज देयर मेन परस्पेक्टिव एंड वट आर देयर इम्पोर्टेंस ऑल्सो। So as I told that PowerPoint is just used to make the presentations or PPT slides, etc. Okay. So we have also discussed about. The home tab. Now in today's lecture we'll be discussing about the insert tab. So let's start. हम लोग पहले क्या करेंगे students, slides ले लेते हैं। जैसे मैं slides लेता हूँ हर बार, ये मैंने स्लाइड्स ले ली 3-4 और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, जिसे मैंने कल स्लाइड्स बनाई थी मैं वैसे ही आज बना दूंगा हार्ट्रॉन सेंटर। और मैं यहाँ पर ले देता हूँ यमुना नगर। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इंसर्टिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका टाइटल इंसर्टिंग पिक्चर। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाऊँ पिक्चर, यहाँ पर मैं करूँगा इंसर्टिंग टेबल, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्टिंग शेप्स, और फिर मैं एक नई स्लाइड और ले लेता हूँ, इसमें डालूंगा इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, और इसमें मैं लिखूंगा इंसर्टिंग चार्ट। ये रहेंगी मेरी इंसर्टिंग पिक्चर, इंसर्टिंग टेबल, इंसर्टिंग शेप्स, इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, इंसर्टिंग चार्ट। ओके, तो अब मैं धीरे धीरे इंसर्ट टैब के अंदर वो बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं इसको। So let's start with the inserting picture. अब friends, आपको मैंने ये बताया था, जो आपने ये स्लाइड का लेआउट ले रखा है, इसमें यहाँ से टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स, वीडियो सब आ जाती है। अगर मुझे इंसर्ट करनी है मैनुअली तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर इंसर्टिंग पिक्चर्स लिखा है तो पिक्चर्स पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी और इंसर्ट कर दी, ओके, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब मैं टेबल इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंसर्ट टेबल पे सिलेक्ट किया, और अगर आपको जितने भी रोज कॉलम्स वाले टेबल चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट करना खुद तो यहाँ पर जैसे वो फॉर्मेट आ रहा था वैसे, नहीं तो ड्रॉ कर सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसके आगे मैं जैसे यहाँ पर मैं टेबल को ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, उसके अलावा आपको पिक्चर्स बता दी मैंने, शेप्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेप कोई भी सिलेक्ट करता हूँ मैं, सपोज कीजिए स्टार सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डाला स्टार आ चुका है, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज हो जाते हैं। शेप फिल अपने आप करनी है तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और शेप सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आएंगे, कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो भी कलर डालना रहेगा मेरा मैं वो कलर इसमें डाल सकता हूँ। फिर आते हैं इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट में, तो स्मार्ट आर्ट आपका ये रहा, आपने सेलेक्ट किया स्मार्ट आर्ट, इनमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, ये मेरा स्मार्ट आर्ट आ चुका है। उसके अलावा इंसर्टिंग चार्ट्स, मैं यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करूंगा और कोई भी चार्ट सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे मैंने ये पाई चार्ट सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया,
तो आपका चार्ट ये रहा, और उसके जो भी वैल्यूज रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। जैसे इसके मैं वैल्यू 5 कर देता हूँ, इसकी भी 4 कर देता हूँ, 3 और 2। ओके, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे फर्दर, मैं नई स्लाइड लेता हूँ एक बार। अब इसके अंदर अगर किसी चीज के ऊपर मुझे कमेंट बनाना है, मुझे इसका कमेंट बनाना, मैं क्या करूंगा, कमेंट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपका कमेंट बन चुका है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा है दिस इज माय कमेंट 1। ओके, इसको बोलते हैं कमेंट। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्सेस आपको मैंने बता दिए थे, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी वैल्यूज को लिख सकते हैं। फिर हेडर एंड फुटर्स, स्लाइड्स के अंदर हेडर एंड फुटर्स आपका यहाँ पर आ जाता है, अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हेडर आ गया। ये देखिए स्टूडेंट, आपका फुटर के अंदर तो टाइमिंग आ गया। आप इसके अंदर स्लाइड नंबर लिख सकते हैं, फुटर्स लिख सकते हैं। ये देखिए फुटर, फुटर के अंदर जो आपको लिखना है वो ये स्लाइड नंबर आ गया आपका, उसको बोलते हैं स्टूडेंट हेडर एंड फुटर्स। उसके अलावा वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो जाता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बाद स्टूडेंट अगर आपको डेट एंड टाइम डालना है तो डेट एंड टाइम ये आपका आ चुका है। उसके अलावा स्लाइड नंबर डालना है तो स्लाइड नंबर ये आ चुका है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। कोई इक्वेशन डालनी है आपको तो इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे कोई भी और यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप वीडियो अगर आपको कोई डालनी है, जैसे अभी मेरे पीसी में कोई वीडियो नहीं है, मैं यहाँ से वीडियो सिलेक्ट करूंगा और आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, ऑडियो सेलेक्ट करके आप कोई भी ऑडियो ऑन माय पीसी जो भी रहेगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इन सबको ट्राई करके देखिए, और जैसे मैंने आपको बताया था पावर पॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू बोथ वर्ड एंड एक्सेल। इंसर्ट टैब को आप ट्राई कीजिए, कल के लेक्चर में हम आपका डिजाइन और ट्रांजिशंस कंप्लीट करा दूंगा, फिर एनिमेशन और स्लाइड शो हो जाएगा, फिर रिव्यू और व्यू हो जाएगा। तो 3 दिन के लेक्चर के अंदर आपका और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टूडेंट्स ट्राई करके देखिए, होम टैब को पूरा और इंसर्ट टैब को। उसके बाद कल से हम डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में वैसे है कुछ नहीं, जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे ये भी अभी करा देता हूँ। डिजाइन टैब में आप क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, थीम, जैसे मैंने ये थीम सिलेक्ट करी। ओके, तो सब में अब क्या होगा, ये थीम आ जाएगी और मैं इसके अलावा दूसरी सिलेक्ट करता हूँ, सपोज ये वाली सिलेक्ट करी तो इसमें अब ये वाली थीम आ जाएंगी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर ये स्लाइड का साइज सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन। स्टैंडर्ड करोगे तो थोड़ी छोटी हो जाती है और वाइड स्क्रीन करोगे तो जितनी रहेगी उतनी ही रहती है ये। उसके अलावा फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या करेंगे, जो भी आपने अभी तक यूज किया वो सब फॉर्मेट हो जाता है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी कलर तो कोई भी कलर सिलेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिजाइन टैब भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इंसर्ट एंड डिजाइन, ये दो आपको मैंने आज टैब करवा दिए, इनको रिवाइज करें और फिर कल का लेक्चर स्टूडेंट्स आपका थोड़ा लेट लगेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।